सितारों के झिलमिल प्रकाश गगन रवि का आभास पाके सर्वत नताए हैं। जैसे विभावरी में मंजुल मयंक मगन उषा को देखत निराश हो पड़ाए हैं। जैसे अमूल्य रतन यवनी ज्ञान जल में सागर सुधा का भरा गागर छिपाए हैं, वैसे असंख्य लोग कलहों की माया में चदली मन फंस के भगवान को भुलाए हैं।
डोली उठा ले लन। कहर राजा की डोली लेके चलन और कर लिया भी अपन कहरन से कहीं भैया ले चला तो चल ले साज सजा के अपन, चल ले साज सजा के अपन भेरी सुहाग बनावे बदे लेकिन गलरिया बेचारा अपन पत्रा उत्तरा देखे नहीं रहल अनपढ़ गवार ये देखले इसकी जेठ का अंधेरिया वाली रात संजय बोली आ गल घरे में बिना साहित्य दुल्हन अंगना में सुतल रहल हितनाथ जोन रहलिन बहरे सब सुतल दलाने में और मर्द मैदान में सुतल रहलन एकांत पा के गलरिया अपन गल दुल्हन के लग गए और दुल्हनिया अंगना में सुतल रहे तो का करत झट से भेड़ी हरवा मुस्काई चप से
राजी रानी गहना चोरा लिया ये तो हमरे बदे बदेरे का तरही बा और तू झूठे ऐसा प्रतिज्ञा कह ले लू हमें जेल भिजवाओ आई लू वो कहे कि मरद समझाओ कब की जब लेके आई बा अच्छा ठीक बा जाते कि तो लेके आए कि तो चले जा धीर धरे ना नारी तब भेड़ी हरवा किया बयान राजमहल के फाटक पर जा करने लगा गुनाह ठीक 10 बजे वाला और 10 बजे फाटक बंद हो जाला सिपाही खड़ा है बंदूक लेके और फाटक के ठीक सामने बेचारा बैठल और बैठ के सोचत था कि कैसे घुस जाए पाइप घरे में तो सुतले में गाल से हाथे में का चाहे गोड़े में का सरकाई लेकिन घुसने मुश्किल भाई घुसने दे सिपाही खड़ा हे भगवान कैसो हमार लहान बैठा देता देखा चोरवन का भगवान सुन ले पार सिपाही है पर गड़रिया बैठल बीचे में कुछ बवंडर सा गर्दा गुबार उड़ल और उड़ल तो ऐसा उड़ल के फटके के और फुसल सिपाही की आंखी में धूल झोंका गए और बंदूक खड़ी करके अपन मलत शुरू कर ले और गड़रिया सोच लेते बढ़िया चानस है वैसे बढ़िया चानस न मिली दोनों हाथों से अखिया मुन ले मलत बा सिपाही अरे फौरन चली है यानी बन के तू बनिया बंद भर फटका जब घुसल सहलनिया तो रानी के पलंगी होटल अरे बैठो जवानवा मैनवा मोरी कोई गर्दन गर्दे में अपन लोग टाइल भर घुसुर गए और उखरे घुसले के बाद तो सिपाही फाटक बंद कर लेन चोर कहां पहुंचल कि सुहाग वाली कोठरी एकदम सजावल हो फूल से सजावल हो अतर सुगंध गमक रहल हो एक ठे दिया जरत हो और वही चारपाई के नीचे घुसुर के बैठल चोरवा अब वही राजा रानी वो घर में क्यों नहीं पहुंचल पा सोचल कि यही में ही है और सुत जई है तब एक आठे निकालब घोड़े हाथे में को ठीक 12 बजल है तो रानी पहुंचली 12:05 पर राजा साहब भी आ गए और भाई फूल वाली सेज पर पलथी मार के बैठलन रानी का करते हैं कि सोने के थाल में आरती सजवलिन है घी के दिया जलवलिन है राजा साहब का आरती करते चोरवा कलश की बारे भगवान अब भाई 12:05 पर आरती पूजा होत भाई है और हम अनपढ़ आदमी संजय बोली आ गई तो फेल हो गई कुल कार्यक्रम यहाँ के ठीक से देखत आरती भैले के बाद सोने वाली थरिया सिरहाने एक मेज और मेज पर रख दिलिन वही पर एक पिटारी रखल है अब धीरे धीरे गहना निकाल निकाल के अपन सब वही में रखे थे सजावट थी गड़रिया सजल की बार है भगवान वैसे सुतले में सरकाओ को नहीं खुदा निकाल के रखे थे अब ले के सरकही के बाहर खाली कुल गहनों में पिटारी में निकाल के रख दिली और रख के राजा साहब दाहिने वाली और रानी साहब बाएं वाली दोनों जने सुतले में वही चार पाई अपने रानी के बुद्धि का परिचय लेते हूँ राजा साहब बुद्धि का परिचय लेते हूँ उनकी पढ़ा लिखा नहीं उनकी गवार है उनके कपारे पर हाथ रख के पूछा था उनकी का है अरे यही ले राजा यले बेला कर रजनी ने खेला राजा रानी जबे हो पूछे नैना गढ़ के मुस्काई रानी गाल को पूछे रानी गुलाब गर बताई है दोनों स्तन को अमृतपुर का मुस्काई है पेट को पूछे बोली पटपुर निराला है दोनों जंघा को केदली का खंभा आला है जान के पीछे क्या कहला प्यारी धनिया हो बताई जबल को भूल गया
नाम सुने था, हई कहा तो कहीं सिर मंदिरपुर, हई कहो कह नैनागढ़, हई कहो कह गुलाबगढ़, हई दोनों कहो कह अमृतपुर है, माँ अमृत भरल है, लड़कन के पिए बजे पेट पर जब हाथ गए तो पूछे उनकी हई कहो कहे का ना पटपरपुर, ऐसे समथर जमीन हिंदुस्तान में कहीं न मिली। दोनों जंघा पर हाथ ले गयन तो कहते कि दोनों केदली का खंभा, इंद्री पर जब हाथ गए तो पूछे उनकी यही कहो कहे की केदली बन के जंगल है, ए में बड़े बड़े पहलवान है राजा लड़की और राजा साहब भी वही में भुला गए। अरे नीचे नीचे घड़ी हर भाव मुस्काया, नीचे घड़ी हर भाव मुस्काया, गहना पेटी तुरंत उठाया, गली बन के जंगल में भुलैलन है और वही टाइम अपन पेटी उठौले पिछवाड़े वाली दुआरी खोल के निकस गए और लियाल अपने दुल्हनिया के पहन जल्दी से और पहन के थरिया खोज लिया और कड़ुआ तेल के दिया बार फट से भैया आरती कर हमारे आरती वरती कह ले लें। तब कहा था गहना कुल उतार के पेटारी में धर दे। अरे एक दो घंटा चार घंटा ना पहले देवा, कहे गहना के संगे पान से सवाल पाए बता देबू तब तक रोज पहरबू और नहीं तुरंत जहां से नहीं वहां वापस कर दे। तो कहा सवाल बात, अरे बोलल भेड़ी हर बात कही बारी, सुनला सुनला हमारी प्यारी, हम कहलत गया सुता हमारे बाएं उरी सुताए के कपारे पर हाथ रख के पूछो तो की कहा हो पर हाथ ले गए अमृत भरल और गड़े दिन बेचारी अनपढ़ कहे कि एक टूवल टावल जला ही बना है। कहे देख तीन सवाल में फेल हो गई, तीन पर्चा खराब हो गई, अब दूठ है और बचल पा संभर जाना बिल्कुल कहना यहाँ के चल जाई। जब पटपरपुर बहात गल है हई कहा, अरे बाप रे बाप अरे बड़ी ना जला इतना बड़ा हो गया कन्ना पड़ रही है। धीरे धीरे तबादम नीचे सरकाई पूछा गरिया नारी बोल भुकराई अब पूछाया दुनिया जाने Thank you.
सवाल बतौली नहीं ठीक से तो कुल गहना के पिटारी उठा ले और कहले कि अब जेकर सामान ओकरे लगे पहुंचाए के तब सुहाग मनाई ठीक फाटक के सामने जहां बैठल रहल बैठल गमछा फैला के कुल गहना निकाल निकाल के सरिया के रख दिले कि सवेरा हुई कोई पकड़ के ले चली राजा साहब की हमें और उनका गहना को लौटा दे। भोर जब भर करानी लगी रुए राजा पुरुषोत्तम का भल कहे कि आपके नगर में इतना छोटता एको रात नहीं बीता पुलिस हमारे कुल गहना गायब। राजा साहब सिपाहियों से कहना कि जल्दी से चोर का पता लगाओ किधर से घुसा किधर से निकला और नहीं सबकी नौकरी एकदम बर्खास्त। जोन सिपाही जहरे भागत हुए दौड़े जहरे दौड़े थुवन ऐसे बुढ़ा सिपाही देखलन की वह पार भीड़ लगल व फटका पर का बात का भी कथा तो कह रिया कुल गहना बेचत रहे तो हाथे में का मांगत बाकी गले में का मांगत बाकी कम्बर में का मांगत बा है वो कहे कि अब फुटकरिया व्यापारी ना है जे ले इकट्ठे बेचब खाली भीड़ लगल ले बेचत नहीं रहे। तब तक सिपाही पहुंच के और देखलन तो चीन गए बाप रे बाप ये इतना झीठ बा कि दरिया चरौले से दरिया बेचतो बा उठाओ गाना सब ले चल हमने के नौकरी जा चल बा दरिया भजावत बा ले गल राजा साहब के सामने पेश कर ले सरकार बाल सहित चोर पकड़ गए। राजा देख के मुस्किए लग ले अरे भाई इस आदमी को तो कल वहां हम देखे रहे बगीचा में क्यों बे नहीं रहा ना हाँ सरकार हम नहीं रही तो कैसे घुसा कैसे निकला सरकार अगर हमार जान बकस देवल जाए तो कुल बता दे कैसे घुसली और कैसे निकसली। कल बगीचा में हम अपन गौना ले ली वही डोली हमार रुकल लहल दुल्हन बा आप करानी साहब ने निकसलिन हमार दुल्हन उनका सिंगार गहना देख के पागल हो गए और हम संजय सुहाग मनावे चल गए ली फेल हो गई हमार दुल्हन हमके क्रिया धरा दिले कि मन से अधूर समझब कब की रानी के गहना ली बात तो सरकार चोर तो हम ही नहीं लेकिन हिम्मत कैली कि किला में घुस जाब और घुसले के बाद गांव के सुतले में सरकारी चाहे जैसे मिली। अच्छा सरकार फटकवा के लगवा आगे बैठली और भगवान से लगली मरवागी है भगवान सिपाही घुसे नहीं दी है और कैसे घुसब तो बड़ी जोर आंधी आई और सिपाही की आंखी में धूल झुका गए जब मलत शुरू कर तो हम हलत शुरू कर एक के नीचे तोरा राजा बड़ा मजा हम पाए फिर मंदिर पर ना मांगो जब गुलाब का नहीं आया नहीं आया अमृतपुर माया दवा अपना दुलाई के पैरा